हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू द चैनल मेडिको स्वामी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फार्मेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो तभी आएगा अगर चैनल पर 510 प्लस सब्सक्राइबर्स हुए तो, नहीं तो इसके बाद फार्मेसी का वीडियो नहीं आएगा। हम लोग इस चैनल पर लाते हैं MPMSC से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। डिस्कसिंग अबाउट फिजियोलॉजी पेपर सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द क्वेश्चंस कवरिंग 2 मार्क्स। फंक्शंस ऑफ सलाइवा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जस्ट फंक्शंस लिख देने हैं एक एक लाइन में, उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना है। गैस्ट्राइटिस सिर्फ डेफिनेशन डालनी है। फंक्शंस ऑफ पैनक्रीटिक जूस सेम करना है, हेडिंग हेडिंग में ही समझाना है। ड्वार्फिज्म, ओव्यूलेशन, मिक्सोइडीमा, ऑक्सीटोसिन, स्टैटोरिया, एकेरोमेगाली, फर्टिलाइजेशन, एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स CNS का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने CNS पूरी तरीके से नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को CNS वाले को कर लेना तो आपका ऑलमोस्ट CNS वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इनफर्टिलिटी, ईस्ट्रोजन, न्यूरॉन, क्रिप्टोचिस्म, लैक्टेशन, श्वान सेल्स, ये भी CNS का क्वेश्चन है। जो जो CNS के क्वेश्चन आएंगे उसके आगे मैं मार्क कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी रहेगा उसे पढ़ने के लिए। प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, स्टेरॉइड सेल्स, सस्टेंशिया नाइग्रा, सेम CNS का क्वेश्चन है। ब्रॉडमैन्स एरिया, स्पीच एरिया से क्वेश्चन है। स्पीच एरियाज होते हैं, 2 मेन एरियाज बताए गए हैं जिसमें से एक है ब्रॉडमैन्स एरिया। EEG, ECG और EEG में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। एंड एफेसिया, सो ये क्वेश्चंस थे 2 मार्क के, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आए थे पेपर 1 को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है, ज़्यादा चांसेस है मसल फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं वो कई बार रिपीट हो जाते हैं, जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या JG apparatus या GFR, ये क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं रिपीटेशन में। बाकी तो जो क्वेश्चंस बताए हैं उन्हें आपको प्रिपेयर करना ही है। कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस कवरिंग 5 मार्क्स, डिस्कसिंग ऑन दैट प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल, इसमें आपको पूरी प्रॉपर्टीज लिखनी है, उन्हें एक्सप्लेन करना है। कॉम्पोजिशन में आपको चार्ट के थ्रू ही एक्सप्लेन करना है तो ही बस काफ़ी रहेगा। डायबिटिस मेलाइटस या डायबिटिस इंसिपिडस, दोनों में से एक कोई भी आ सकता है, इसका ट्रीटमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। अगर जॉइंटिस आता है तो आपको तीनों तरीके के जॉइंटिस बताने पड़ेंगे, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक, या ऑब्स्ट्रक्टिव वाला जो है आप वैसे करके लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर जॉइंटिस 5 नंबर में भी आया है ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिख करके लेकिन पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, जिन क्वेश्चन के आगे 2+ लगे हुए हैं मतलब वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सीमेन, स्पर्मेटोजेनेसिस, अब स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस दोनों आ सकते हैं, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। ओसे पिल्स मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, फंक्शंस ऑफ बाइल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 10 मार्क में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। डीजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर, ये CNS का क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चंस इसमें बताए गए हैं उन्हें CNS में से बहुत अच्छे से कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन है जो 2 मार्क में भी दिया है लेकिन उसको पूरा पढ़ना ताकि अगर वो 5 या 10 मार्क में भी आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ, क्वेश्चन कोई भी छोड़ करके नहीं आना है। पास होने के चांसेस अभी ज़्यादा हो जाते हैं जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए हो। ट्यूबेक्टॉमी, ग्राफियन फॉलिकल, लैक्टेशन, रिसेप्टर, या तो रिसेप्टर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा या तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर आता है, ये भी CNS का क्वेश्चन है। सिनेप्स या साइनेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेम CNS का क्वेश्चन है। ये वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे CNS के ही हैं, एक आध क्वेश्चन होगा जो स्पेशल सेंसेस का होगा। रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन, दोनों प्रिपेयर करना है, ज़्यादा चांसेस होते हैं रिफ्लेक्स आर्क के।
रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, बेसल गैंग्लिया, फिजियोलॉजी ऑफ पेन, इंटरनल कैप्सूल, रेटिकुलर फॉर्मेशन, इपिलेप्सी एंड CSF। ये वाले सारे जो क्वेश्चंस थे ये 5 मार्क्स के थे। होप आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ रखे होंगे, और कुछ अगर नहीं पढ़ रखे होंगे CNS में से कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन हो गया, बेसल गैंग्लिया हो गया, ये नहीं पढ़े होंगे तो आपके पास आज का टाइम है, आप पढ़ सकते हो। कल जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग अपलोड करेंगे जो पूरा पेपर होगा वो। वीडियो को अभी स्टॉप मत कीजिए, 10 मार्क के क्वेश्चन बाकी है तो 10 मार्क के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। 10 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो मैं बता दूंगी कि आपको करने ही हैं, इनके चांसेस जो है वो 70-80% है नेक्स्ट पेपर में आने के लिए, तो इन क्वेश्चंस को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के भी सेम चांसेस है 70-80% आने के। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन एक ना एक क्वेश्चन आएगा, वो चाहे 2 मार्क में आए, 5 मार्क में आए या 10 मार्क में आए, कॉन्ट्रासेप्शन पर क्वेश्चन आना तय है। सेरिबेलम, TSH, अब इसमें क्या आ सकता है, या तो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, या थायरॉयड के फंक्शन आ सकते हैं, या एक फंक्शन दे देंगे उसको आपको बताना रहेगा, या एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा लेकिन आएगा। फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप, विजुअल पाथवे, एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ऑडिटरी पाथवे। ऑडिटरी पाथवे आने के ज़्यादा चांसेस है, या हियरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आने के ज़्यादा चांसेस है। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि फार्मेसी का वीडियो तभी आएगा अगर चैनल पर 510 से प्लस में सब्सक्राइबर्स हुए। तो अगर 510 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हुए तो फार्मेसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग सब लोग वीडियो देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो। होप सो कि आप लोग इतना सपोर्ट करोगे कि चैनल पर उतने सब्सक्राइबर्स हो जाए। थैंक यू।